चक्कर आना, सिर घूमना, अचानक से ऐसे लगता है कि हमारे ब्रेन में कहीं सुन्नता आ गई है, ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। सर ऐसे ही चकराता है, ऐसे ही चकराता है, गोल गोल जिसे कहेंगे, कि जैसे कैसे ऐसा लग रहा है कि दिमाग में हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता। जिसे कहते हैं कि हम तो चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है, किसी भी कारण से क्यों ना चक्कर आ रहा हो। कुछ लोग को तो ऐसा होता है कि बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, इतना उन्हें चक्कर आता है, बेचारे की ट्रेवलिंग पूरी बर्बाद हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना उनके लिए ऐसे मुसीबत होती है। कई लोग तो ऐसा करते हैं घर से निकलने के पहले ही कि भाई हमें यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना है, कार में जाना है, फ्लाइट में जाना है, पहले ही टेबलेट ले लेते हैं। यह तो कुछ ऐसा चक्कर होता है कि यह टेम्पररी चक्कर होते हैं, और इसके साथ ही साथ यह चक्कर किसी भी कारण से क्यों ना हो, कुछ लोगों को ऐसा बीपी एकदम लो हो गया और चक्कर की प्रॉब्लम हो रही है, किसी को डायबिटीज़ लो हो गई और चक्कर की प्रॉब्लम, वीकनेस, एनीमिया, किसी भी कारण से क्यों ना चक्कर आ रहे हैं। यह छोटे से उपाय आप कर लीजिए, फिर तो देखिए कितना सुंदर रिजल्ट चक्कर आते ही आपको, यदि यह उपाय कर लेंगे, इतने जल्दी क्विक रिजल्ट देने वाले यह छोटे छोटे घरेलू उपाय है। इसके साथ ही साथ मैं एक बहुत ही इफेक्टिव एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताऊंगी जिसे आपको तुरंत ही कर लेना है, और एक सांस लेने का तरीका जिसे करके आप तुरंत चक्कर से निजात पा सकते हैं। मैं कल्पना राठौड़, एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर थेरेपिस्ट, डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन। सबसे पहले जैसे ही आपको चक्कर आता है, आपको नाक के नीचे इस तरह तुरंत प्रेस करना है, जैसे जैसे यह प्रेशर देंगे आपको तुरंत ही अपने आप में चेंजेस महसूस होंगे। और दूसरी चीज, आपको जैसे भी जहां पर भी हैं और चक्कर आ रहा है, आप खड़े हैं यदि, आप तुरंत बैठ जाइए और गहरी सांस लीजिए, कुछ सेकंड के लिए रुकिए, फिर धीरे धीरे उसे छोड़िए। यह मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। पहले आपने गहरी लंबी सांस ली, फिर कुछ सेकंड के लिए उसे होल्ड किया, फिर धीरे 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 उसे छोड़ा। इसे 2 से 3 बार कर लीजिए, तुरंत आपके ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचेगी और आपको कितना रिलैक्स उसी समय लगेगा। इसके साथ ही साथ एक छोटा सा घरेलू उपाय, जैसे आप पहले वह बता दूं, बस ट्रेन में चलने वाले को बड़ी प्रॉब्लम होती है, वह बेचारे बड़े आतुर होंगे कि क्या मेरे लिए कौन सा भाई ऐसा घरेलू आसान उपाय है। आप अदरक ले लीजिए, अदरक के छोटे 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 पीस कर लीजिए, और उस छोटे, जब आप टेबलेट लेके निकल रहे हैं तो जब ट्रेवलिंग में जाएंगे तो अदरक को थोड़ा छोटे छोटे पीस करके एक छोटी डिब्बी में रख लीजिए, और उसमें काला नमक लगा दीजिए, और उन छोटे छोटे पीस को चूसते जाइए, उसे ऐसे आनंद लेते हुए, आपको समझना है बच्चे कैसे च्युइंगम चूसते हैं बड़े मज़े ले लेकर, उसी तरह चाहे आप फ्लाइट में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बस इन छोटे छोटे अदरक के टुकड़ों को मुंह में रखते जाइए और चूसते जाइए, इसमें काला नमक ज़रूर मिलाइए, फिर देखिए कैसे आपको चक्कर की प्रॉब्लम दूर होती है। इसके साथ ही साथ एक घरेलू उपाय, आपको 1 चम्मच नींबू का रस लेना है, और उसमें आपको 1 चम्मच शहद, दोनों को 1 कप पानी में घोल लीजिए और फिर उसे पी जाइए। इसके साथ ही साथ एक उपाय और मैं बता दे रही हूँ आपको, जैसे आपने नींबू का रस लिया है उसी तरह आप 1 चम्मच अदरक का रस ले लीजिए, उसमें आप 1 चम्मच या 2 चम्मच ले सकते हैं आंवले का जो जूस रहता है उसे मिला दीजिए, और फिर यदि आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप इसमें भी शहद मिला सकते हैं, और फिर उसे 1 कप पानी में घोल कर पी जाइए, फिर देखिए कैसे मैजिकल रिजल्ट। अदरक, आंवला और शहद, इन तीनों का रस मिलाकर यदि आप पीते हैं, फिर देखिए कितना मैजिकल, आप सोच नहीं सकते कि जैसे ही चक्कर आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो ऐसा होता है कि बरसों से चक्कर की ऐसी प्रॉब्लम है, पता नहीं, वह बोलते हैं सिर ही घूम रहा है, कहीं सोचते हैं कान के कारण चक्कर आ रहे हैं, कहीं सोचते हैं दांत के कारण चक्कर आ रहे हैं, कुछ लोग तो बोलते हैं सिर दर्द के कारण चक्कर आ रहे हैं, घबराहट, बेचैनी, कुछ लोगों को बीपी के कारण चक्कर, किसी भी कारण से यदि उन्हें बहुत लंबे समय से चक्कर आ रहे हैं, तो वह रात में 1 चम्मच
धनिया और एक चम्मच आंवले का चूर्ण एक ग्लास पानी में भिगा दे और सुबह उस पानी को छान कर पी लीजिए और आंवले और धनिया को एक चम्मच गुड़ मिलाकर चबा चबा कर खा जाइए। फिर देखिए जो आपको बरसों से चक्कर की प्रॉब्लम थी कैसे ऐसे दूर होगी कि, और ये छोटे से उपाय, ये जो सब घरेलू उपचार होते हैं ये हमारी पुरानी परंपराओं से चले आ रहे हैं जिसे कि हम फिर से आप तक पहुंचाने की यह कोशिश कर रहे हैं और आप इसका पूरा पूरा लाभ लेंगे इसी उम्मीद के साथ। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो चक्कर पर के ऊपर डाला है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, आप उसे अवश्य देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं समझ ही गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट। भाई बार बार दोहराने से तो फिर ऐसा होता है कि ब्रेन में वह बात बैठ ही जाती है कि वीडियो आया है, तो लाइक शेयर और कमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।